नाम क्या है बेटा? आरोही। आप कौन से स्कूल में जाते हो? ग्लोबल इंग्लिश स्कूल। कौन से क्लास में हो? फर्स्ट। कितनी क्यूट बच्ची है। अरे मारा यार। और आगे रो। अरे बस गया। ये सब कौन है? बेटा ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने जिंदगी के अपने सबसे हसीन पल बिताए हैं। अरे ये आपके दोस्त हैं तो इन्होंने आपको क्यों मारा? बेटा दोस्त ऐसे ही होते हैं। और जिंदा हो तुम सब लोग अब तक? तुझे अकेले छोड़कर थोड़ी ना करेंगे हम सब। भूल गया हमने वादा किया था जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। लेकिन बर्थडे तो सही है लेकिन बर्थडे बाउंस मत देना। बिना बर्थडे बाउंस का तेरा बर्थडे अधूरा है भाई। सबको चॉकलेट बांटना चाहता हूँ। बांटू? हाँ जरूर। तुम सब स्कूल के लास्ट ईयर में हो तो तुमने क्या सोचा है कि आगे जाके क्या बनोगे? टीचर मुझे राइटर बनना है। वेरी गुड, वेरी नाइस थॉट। हु इज नेक्स्ट? रोहन तुम बताओ तुम क्या बनोगे? मुझे ना एक अमीर इंसान बनना है। लेकिन अमीर बनने के लिए तुम क्या करोगे? मुझे नेता बनना है। स्ट्रेंज। ओके सिट डाउन। तुम बताओ। मुझे ना भारत का इतिहास देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को एक बहुत ही नेक और टैलेंटेड इंसान की जरूरत है जो भारत के रोमांच पर धमाका कर दे, जो श्रोताओं के दिल में जगा कर दे, जिसे देखकर हर कोई युवा आज तक पैसा हो सके। कहना क्या चाहती हूँ? एक्ट्रेस टीचर मैं एक मूवी एक्टर बनना चाहती हूँ। चलो एक्ट्रेस अपनी कहानी फिर कभी बताना, अभी तो हमारे लेक्चर का पैकअप हो गया है। बर्थडे को आपका बर्थडे की छत पर तेरा इंतजार कर रहा है, जाएगा नहीं क्या लेने? हाँ क्या? चल जा जल्दी। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मैं जा रही हूँ, ये हमारे आखिरी मुलाकात। जिंदगी ने चाहा तो फिर कभी मिलूंगा। अब मुझे जाना होगा। आई विल मिस यू।
बस गिफ्ट में यार आखिरी मुलाकात नहीं। आखिरी मुलाकात मतलब मैं कुछ समझा नहीं। उसका स्कूल में आखिरी दिन था और उसका उसके पापा का ट्रांसफर हो गया इसलिए उसे जाना पड़ा। क्या हुआ बे? मुंह लटका देते हो बेटे? मैं बताता हूँ, भाई को गिफ्ट में आखिरी मुलाकात मिली है। अबे ओए अपने हद में रह, समझा ना, वरना ऐसी हालत करूंगा गिफ्ट देने के लायक नहीं रहेगा। करेगा अब यहाँ प्रिंसिपल का बेटा है तो क्या मुझे धमकी देगा तू? योगेश क्या हुआ था? टीचर मैं और आयुष बात कर रहे थे कि बीच में सुशांत आया और उसने मुझे मारना शुरू किया। आयुष क्या योगेश सही बोल रहा है? हाँ टीचर, लेकिन सुशांत तुम अभी के अभी योगेश से माफी मांगोगे और स्कूल खत्म होने तक क्लासरूम के बाहर खड़े रहोगे। लेकिन टीचर बस मुझे और कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, जितना कहा गया है उतना ही करो। बस आप सब लोग अब जा सकते हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सुशांत के लिए हंसू या आयुष के लिए रहूं। हाँ यार सुशांत सीरियसली तेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी तुझे पूरा टाइम क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ा। तो बोला यार सुशांत, आज हम मेडिकल साइंस में हुए इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला थर्मोमीटर, थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। एक्सरे मशीन विलहेम कॉनराड। स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय रेन लैनिक। सीटी स्कैन मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय अलन कॉनराड। सर ये सब तो फॉरेनर्स हैं, किसी इंडियन ने ऐसा इन्वेंशन नहीं किया क्या? बेटा लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग नेम्स हु हैड contributed in the field of maths, physics, space and medical and so on, and that too who are Indians. Aryabhatt jinhone zero invent kiya. Agar aaj unhone zero invent nahi kiya hota to aaj koi bhi maths ka calculations, maths, physics, koi bhi calculation hai aaj zero ke bagair nahi ho pata. C.V. Raman Nobel Prize winner, unhone characteristics of lights aur uske effects bataye. एरोप्लेन, हम जैसे कि हम सब जानते हैं एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया, लेकिन 8 साल पहले एक इंडियन था जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े, उन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन इन्वेंट किया। बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस उन्होंने ट्राई किया पर फेल हुए, जिसके कारण आज हम सब लोग यही जानते हैं कि एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। रघुनाथ मछलीकर, इनके वजह से इंडिया को हल्दी का पेटेंट मिला। एंड लास्ट चेस, जो सबसे दिमाग वाला गेम सब जानते हैं कि जैसे चेस बहुत दिमाग का गेम होता है, चेस वॉज इन्वेंटेड बाय ऑल्सो एन इंडियन। सर ने तो इतने सारे नाम बताए, मैंने तो कभी सुने भी नहीं। सच्ची में यार सलाम है सबको। अमेजिंग यार, मुझे तो पता भी नहीं था कि इंडियन इतने ग्रेट है। हाँ यार सच्ची में आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हर साल की तरह आज भी हम सब इसे सेलिब्रेट करेंगे। इस साल हम एक एक्टिविटी भी करने वाले, सो मैं अपने फ्रेंड को बुलाना चाहूँगी जो आपको आज के डे के बारे में और एक्टिविटी के बारे में बताएगी। थैंक यू अंकल। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो हम हर साल की तरह 1974 से लेकर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल की तरह कंट्री इनिशियल। एंड आई एम प्राउड दैट दिस ईयर इंडिया इज द होस्ट फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विद द थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बट एज इट सेड एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, सो इट्स टाइम फॉर अस टू शो सम एक्शन विच रिमाइंड्स
me of the activity which we are going to perform on this auspicious day. And the activity is Clean India, Green India. हम सब आज मिलकर अपने स्कूल का एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे. सो कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स मेक इट पॉसिबल विद आवर एफर्ट्स. थैंक यू. चलो चलो जल्दी खाना डालो आपकी. हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ. मुझे भी जल्दी है, पूरी स्कूल क्लीन करनी. हाँ मैं भी दे रही हूँ, मुझे भी जल्दी. अरे यार मजा आ रहा है स्कूल सब. हाँ यार इस एक्टिविटी हमारे स्कूल में हमारा क्लीन है. हाँ यार मैं भी एग्री करती हूँ, जब हमारे स्कूल क्लीन रहती है तब बहुत अच्छी रहती है. क्या यार हमें नौकरों का काम लगा दिया. इससे अच्छा तो हम घर पे रहते ही. तो अच्छा होता क्या. तो पढ़ाई करके थोड़ी सी डिसिप्लिन दिखा दो क्लास में.
पर नहीं, हमको तो सिर्फ मस्ती करने आनी है स्कूल में, पढ़ना लिखना तो कुछ है ही नहीं, है ना? अगर तुम लोग का यही बिहेवियर रहा पूरे साल में तो तुम लोग पढ़ोगे ही, कुछ नहीं करोगे तो आगे फिर लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। लिख के लेना है तुम लोग, अगर इसी तरह तुम लोग क्लास में मिसबिहेव करोगे तो। हैंडराइटिंग देखो, तुम्हारी कोई तरीका होता है क्या लिखने का? एटलीस्ट तुमको तो समझ में आया एटलीस्ट कि तुमने क्या लिखा है, बाकी का तो जाने दो। तुम लोग को पढ़ना है इस बुक से, तुमको समझ में आना चाहिए इसमें क्या लिखा गया है। स्पोर्ट्स इवेंट की जब बात आती है तब तो सब बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं उसमें, पढ़ाई की पढ़ाई में जोश कहाँ चला गया तुम लोग का? देखो वो सो गया अपनी क्लास में, कोई तरीका नहीं होता है क्लास में बैठने का। क्लास में बैठते तो ध्यान देना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रही है, तुम लोग का कोई ध्यान है ही नहीं क्लास में। अभी बोले गेम्स का पीरियड है, बोलते सब भागते रहेंगे ग्राउंड पे, ये तरीका नहीं होता है। क्लास में भी इतना जोश दिखाओ तुम लोग, सो दैट्स इट। अब अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हो, तब आगे का तुम सब खुद से पढ़ो। अब इसके आगे मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी, मेरा लास्ट लेक्चर था आज, और इसके आगे तुम तुम्हारा देख लो तुम लोग कैसे पढ़ोगे और कैसे एग्जाम पास करोगे, एंड दैट्स इट, आई एम गोइंग। क्या यार, टीचर ने फालतू के 5 मिनट ले लिए। आई कांट बिलीव यू, तुझे अभी तक नहीं समझा टीचर ने ऐसा क्यों कहा? मुझे 5 मिनट की पड़ी है, यहाँ अपने लाइफ का सवाल है। हाँ यार, टीचर ने जो भी कहा सच कहा, अपने को मस्ती छोड़ के अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ गाइस, अब हमें सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं रही। वो सब तो ठीक है यार, तुम पढ़ाई करके टॉप कर लोगे, पर मेरा मैच इतना वीक है कि कैसे स्कोर कर पाऊंगा मैथ में। कैसे कर रहा है तेरा भाई, है ना? मैं पढ़ूंगा तुम्हें मैथ्स। चलो ठीक है भाई, अच्छा अपन सब मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। कुछ नहीं यार, पक गया उस लाइफ से, कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं रहा, बस स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, घर आओ और सो जाओ। आजकल तो अपने ही मुलाकात नहीं हो रही है, कुछ मज़ा ही नहीं रहा अपने लाइफ में। यार बात तो सही है, लाइफ में कुछ मज़ा बचा ही नहीं है, आप रोबोट जैसी लाइफ बन चुकी है। एग्जैक्टली, टू मोनोटोनस। सो केयर गाइस, तो क्या हुआ आज लाइफ बोरिंग है तो इट्स जस्ट शॉर्ट टर्म पेन फॉर आवर लॉन्ग टर्म गेन। सोचो बस अब कुछ ही दिन और फिर एग्जाम होते ही हम सब फ्री। एग्जैक्टली, और हम सब पढ़ाई तो कर रहे हैं, पता है मम्मी बहुत खुश है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ इसलिए। हाँ, पढ़ाई की वजह से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब मैथ्स मेरे लिए उतना हार्ड नहीं रहा। देख लेना, मैथ्स में मैं तुम सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। क्या बात है, चल अब तो हो ही जाए बेट, देखते हैं कौन हाईएस्ट स्कोर करता है। चल लग गई बेट, देखेंगे कौन ज्यादा मार्क लेगा मैथ्स में। याद है सही ने मुझे लास्ट टाइम क्या कहा था? अगर जिंदगी ने चाहा तो फिर कभी मिलो। तो किस्मत में लिखा था